Hi everyone, I'm Shimai. Welcome back to my channel. Wish you all a very happy, healthy and prosperous new year from my family to yours. Aaj 1st of January 2021 hai. पता नहीं चला 2020 कैसे निकल गया. आई होप 2021 हम सबके जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेके आए. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो. अभी सुबह का टाइम है, हम लोग उठ गए हैं, मैंने पूजा कर ली है, नहा धो के तैयार भी हो गई हूँ, ब्रेकफास्ट हो गया है हम लोग का. और आप लोग क्या कर रहे हो न्यू ईयर पे मेरे साथ शेयर कीजिएगा. जब तक आप लोग ये वीडियो देखोगे आप लोग का न्यू ईयर खत्म हो गया होगा. बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा रहा आप लोग का न्यू ईयर. आज हम लोग का फ्रेंड्स लोग के साथ मिलके एक गेट टुगेदर पार्टी है. तो अभी फिलहाल हम लोग वहीं निकलेंगे थोड़ी देर में. अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट क्रिसमस का ब्लॉग देखा होगा तो आप लोग को पता होगा तभी भी हम लोगों ने एक छोटा सा पॉटलॉक पार्टी किए थे मेरे घर पे, और आज भी वैसा ही एक पार्टी है. लेकिन आज ये है कि हम लोग बाहर से खाना ऑर्डर कर रहे हैं क्योंकि न्यू ईयर है और सभी को जो है ना इंडिया कॉलिंग रहता है, फिर मंदिर जाना रहता है, और सुबह सुबह नो मॉर्निंग में बच्चे लोगों के साथ दौड़ भाग थोड़ा रहता है. तो सब लोगों ने सोचा कि चलो बाहर से ही ऑर्डर करते हैं, अच्छा लगेगा, रिलैक्स भी रहेंगे थोड़ा सा. तो वही हम लोग अभी निकलेंगे. और कल रात में भी ना मैं एक छोटा सा केक बेक की थी ऐसे, यू नो 12 बजे थोड़ा सा केक कटिंग करेंगे सोच रही थी. फ्रेंड्स लोग को बुलाई थी लेकिन वो लोग नहीं आ पाए. तो ये थोड़ा बहुत जो है केक है, तो मैं सोच रही हूँ कि ये केक को मैं लेके चली जाऊँगी. वैसे तो आज भी हम लोग एक केक लाए हैं, फ्रेंड ने एक है वो पिकअप किए हैं, तो हम लोग वहीं पे सोच रहे हैं एक केक कट करने का. लेकिन ये एगलेस है ना, मेरी एक फ्रेंड है वो एग नहीं खाती है, तो मैं सोच रही कि चलो लेके चलती हूँ, थोड़ा बहुत जो है हर कोई टेस्ट कर लेगा. तो एनीवेज मैं अभी चलती हूँ वरना लेट हो जाएगा. मैं जल्दी से आप लोगों को भी लेकर चलती हूँ, थोड़ा बहुत जो है मेरे साथ गेटेड विथ में थोड़ा सा दिखाऊंगी, और कभी एक वीडियो मेकअप नो इन डिटेल में शेयर करूंगी. मुझे बहुत लोग बोलते हो कि इन डिटेल मेकअप वीडियो दिया कीजिए, बट ट्रस्ट मी गाइज अभी ना कोई भी मेकअप वीडियो नहीं देख रहा है. मैं बीच में भी एक दो मेकअप वीडियो जो है डाली थी इन डिटेल्स, और मैं जब भी आप लोग के साथ कोई भी मेकअप वीडियो शेयर करती हूँ ना, मैं कोशिश करती हूँ कि यू नो बहुत ही बिगनर लेवल पे आप लोग को समझाऊँ, ताकि अगर कोई नया भी है तो आप लोग को समझ में आ जाएगा. लेकिन यह है कि मुझे लगता है कि आजकल कोई मेकअप वीडियो में इंटरेस्ट ही नहीं दे रहा है, कोई इतना देख नहीं रहा है. तो देखती हूँ, वरना होगा तो कभी ना ऐसे ब्लॉग में शेयर करूँगी. तो चलिए मैं जल्दी से तैयार होती हूँ. अभी मैं एक नया पैलेट यूज़ करने वाली हूँ, ये मुझे इन्फ्लुएंसर से आया था, तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ. ऑलरेडी एक दो बार यूज़ कर चुकी हूँ, अच्छा है नो इसके. ये देखिए ये कैवियर एकॉर्न ब्रांड का है, और इसके अंदर जो है ना तीन ब्रॉन्जर है, एक ब्लश है और दो हाइलाइटर है. तो अगर यू नो आप एक साथ एक पैलेट उठाते हो ना, तो आराम से आपका जो है फेस का मेकअप हो जाएगा. या फिर कहीं बाहर भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो उसी टाइम में भी आप ये एक ले सकते हो, और उसको थोड़ा सा आई शेडो के हिसाब से भी आप यूज़ कर सकते हो. तो मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ. मुझे सिर्फ ये लगा कि नो ये ब्लश आई विश थोड़ा सा और डार्क होता, क्योंकि इसमें तीन शेड का है, तो यू नो थोड़ा सा शिमर भी है पूरा, या तो मैट होता या फिर थोड़ा सा और डार्क कलर भी होता तो भी अच्छा रहता, क्योंकि ऑलरेडी देयर आर टू हाइलाइटर ओवर हियर.
नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक यूज़ कर रही हूँ टॉम फोर्ड का एक आईब्रो पेंसिल, और इसका भी ना एक तरफ इस टाइप का है, स्लैंटेड वाला है, मोटा वाला जो टिप आता है, और दूसरी तरफ इस टाइप का एक स्पूली है, और मुझे हमेशा ऐसा ही अच्छा लगता है ना थोड़ा सा मोटा वाला, ताकि जब भी आप कोई आईब्रो फील करोगे ना तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैंने सोचा आज जितने भी मुझे इन्फ्लुएंसर से आए हैं ना, तो वो सब यूज़ करके आप लोग को इन पर्सन दिखाती हूँ। और इसका जो शेड है ये 05 ग्रेनाइट है। नेक्स्ट ये मस्कारा है, ये भी सेम ब्रांड का ही है। इसका जो वॉन्ड है ना ये काफी पतला है, मैं जस्ट अभी ये ट्राई की मैंने ये आईज पे, आप लोग देख सकते हो काफी पतला है, तो मुझे लगा कि अच्छा है पूरा आईज के लिए, लेकिन लोअर लैशेस के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि यू नो थोड़ा सा पतला वॉन्ड है तो अच्छे से लग जाएगा। और अपर के लिए मुझे लग रहा है कि और थोड़ा वॉल्यूमिनस होता तो काफी अच्छा रहता। एंड द लास्ट वन इज ये एक परफ्यूम है, बहुत क्यूट सा पैकेजिंग, आप लोग देख सकते हो अच्छा स्मेल है। तैयार हो गई हूँ मैं अब, ये वाला जो आप लोग देखे होंगे मेरा जो इंडिया से सामान आया था उसी टाइम पे आया था, ये वाला ऑक्सीडाइज वाला ये, और ये ड्रेस भी इनफैक्ट उसी टाइम पे आया था, नहीं पहनी थी, सिंपल सा ही प्लेन वाला जो इकत प्रिंट का ड्रेस है, लेकिन मुझे लगा कि आज मंदिर जाना है ना, हम लोग सोच रहे हैं अभी थोड़ा सा मंदिर होके जाएंगे, अच्छा लगता है न्यू ईयर के टाइम पे, तो सोचा कि चलो ये वाला पहनती हूँ। और हाँ गाइज, और एक बात, आप लोग भी इन्फ्लुएंसर में यू नो ऐप डाउनलोड करके आप अपना अकाउंट बना के ऐसे कुछ फ्री में न्यू प्रोडक्ट्स जो है ट्राई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप लोग को यूट्यूबर होना पड़ेगा, आपका सिर्फ जो है सोशल मीडिया होना चाहिए, यानी कि फेसबुक अकाउंट या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट। तो और बहुत लोग मुझे पूछते हो कि क्या इंडिया पे ये इन्फ्लुएंसर का सामान जो है मिलता है, इंडिया पे वो लोग अभी नहीं भेज रहे हैं जितना मैं जानती हूँ, आई थिंक सिर्फ US, कनाडा और UK शायद ये तीन कंट्री में है। तो अगर आप लोग हो यहाँ पे तो आप लोग ट्राई कर सकते हो इन्फ्लुएंसर ऐप। तो चलिए अभी मैं जाती हूँ, हम लोग हस्बैंड बेटी सब तैयार हो गए हैं, अभी हम लोग निकलते हैं मंदिर के लिए, होपफुली ज़्यादा भीड़ ना हो। Happy New Year! अभी जस्ट हम लोग घर से निकल रहे हैं, जैसे कि बताई थी ऑन द वे थोड़ा सा हम लोग मंदिर पे रुकेंगे, न्यू ईयर है ना, तो हम लोग हर साल मंदिर जाते हैं, देखते हैं होपफुली ज्यादा भीड़ ना हो आज, नॉट श्योर, अगर बहुत ज्यादा भीड़ हुआ तो पता नहीं क्या करेंगे, बट होप फॉर द बेस्ट। तो चलिए अभी हम लोग मंदिर निकलते हैं और उसके बाद जो है हम लोग फिर अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाएंगे। Do you like it?
अभी हम लोग पहुंच रहे हैं घर मेरे फ्रेंड्स के यहाँ से, और अभी रात हो चुका है, ऑलमोस्ट 11:30 हो गया है, काफी लेट हो गया है हम लोग का जो है लंच हुआ, उसके बाद लंच काफी लेट हो गया हम लोग का, और उसके बाद जो हम लोग का फिर चाय वहाँ पे हुआ, फिर डिनर, मतलब जो लंच हम लोग मंगाए थे ना वो ही काफी सारा बच गया था, तो वही हम लोग का डिनर भी हो गया सबका, और फिर बहुत सारा मस्ती किए, यू नो टाइम जो है पता ही नहीं चला कैसे सुबह से रात हो गया, और काफी अच्छा गया हम लोग का न्यू ईयर। तो मैंने सोचा वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मुझे भी बहुत टायर्ड लग रहा है, और बच्चे लोग भी जो है ना बहुत एंजॉय किए, सब मिलके जो है सुबह से शाम तक जो है रात हो गया सब खेल ही रहे थे। तो या गाइज ऐसा रहा हम लोग का न्यू ईयर, सबका न्यू ईयर जो है अच्छा रहे, सबकी तबीयत अच्छी रहे। आप लोग का न्यू ईयर कैसा रहा मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, एंड मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को ये वाला मेरा न्यू ईयर सेलिब्रेशन ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है गाइज देन प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आप सबसे मिलती हूँ मेरे और एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।